जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आप बता दें कि यहाँ आपको बता दें कि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, एनकाउंटर में ढेर हो चुका है विकास दुबे। पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ चुका है कि एनकाउंटर में ढेर हो गया है, उसकी हालत गंभीर थी जब उसे लाया गया और उसके बाद मारा गया है विकास दुबे। आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक खबर पहुंचा रहा है कि मारा गया है विकास दुबे। हालांकि हालत उसकी पहले से ही गंभीर थी, कई पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुए। पुलिस की तरफ से कहा गया कि जब हादसा हुआ उस दौरान विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद पुलिस की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, उसने हथियार भी छीनने की कोशिश की थी, भागने की कोशिश कर रहा था, कमर में और सिर में उसको गोली लगी थी, जिसके बाद हैलेट अस्पताल लाया गया जहां वो मारा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है सबसे पहले हैलेट अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर में ढेर हो चुका है विकास दुबे। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आप बता दें कि यहाँ पर मारा गया हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आधिकारिक पुष्टि हो गई है मारा गया है विकास दुबे? विकास दुबे मारा गया है और पुलिस के भी अधिकारियों उधर वहाँ पे पुष्टि कर दी है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि एनकाउंटर में ढेर हो गया है विकास दुबे। पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है उसे। आपको बता दें कि इस हादसे में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, कई पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुए, लेकिन ये कहें कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अंत उसका होना निश्चित है। बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से दुर्दांत अपराधी था और जिस तरह से अपने आप को भागते। तो आपको बता दें कि विकास दुबे की मौत की पुष्टि हो चुकी है, पुलिस की तरफ से ये पुष्टि कर दी गई है, विकास दुबे की मौत की पुष्टि। उसकी कमर और सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद पहले ही बताया जा रहा था कि उसका बचना मुश्किल है। उसने पुलिस की जो हथियार थे उसे लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से उसे घेर लिया गया, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें ढेर हो गया है विकास दुबे। अभी तक कई अपराधों में लिप्त रहा, लगातार कई दिनों से पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपके पास क्या अपडेट? इसको कल से ही जहां पे एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहां से यूपी पुलिस की और एसटीएफ की 12 गाड़ियों का काफिला लेकर इनको उज्जैन से कानपुर आ रहा था। भारी बारिश के कारण रास्ते में इनकी गाड़ी नंबर UP 70 AG 3497 पलट गई और पलटने के बाद वहां से इनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाते समय रास्ते में इन्होंने कानपुर में पुलिस अधिकारियों की पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश की, जिसपे पुलिस ने इनको इनकाउंटर में मार गिराया। इनके एक सीने पे व एक सर में 2 गोलियां लगी है, जिसपे मरने की इनकी पुष्टि की गई है। यानी कि विकास का दी एंड। हाँ, विकास का खेल खत्म हो गया है। विकास का खेल बहुत दिनों से जो कि लगातार चल रहा था, पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी, नहीं मार पा रही थी, लेकिन आज इनका इनकाउंटर कर दिया गया है। इनकाउंटर करने के बाद इनको सीधा हॉस्पिटल ले गया, जहां पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। अब आगे क्या किस तरीके से कार्रवाई चल रही है वहां? आगे की कार्रवाई, इनकी पत्नी ऋचा दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पहले कल इनका इटावा में इनके साथी बगवन कुमार गिराया गया था, इनके साथी अमित कुमार। बिल्कुल राजेंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन पुलिस की तरफ से इस बीच क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले जो तो अभियुक्त को अस्पताल लाया गया था और वहां डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया, ये आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से कर दी गई है। आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला पूरा हो गया है। लंबे वक्त से कई टीमें उसको तलाश रही थी और कल
वो नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हुआ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से वर्जन सामने आया है कि जब उसे लाया गया था उसकी हालत गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसके बाद फिर उसकी मृत्यु होने की पुष्टि की। उसकी हालत क्या है, उसको दो गोलियां लगी हैं, पुलिस के जब असलाह छीन कर भाग रहा था ऐसे में पुलिस को मजबूरन उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी। पुलिस के भी एक दो अधिकारियों को गोली लगी है और उनके पैर में छर्रों के निशान है। इस तरीके से उन्होंने एक नाटकीय तरीके से जैसे गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन उनको लाते लाते आखिर पुलिस ने कुल मिला जुला के उनका खेल खत्म कर दिया। राजेंद्र, लेकिन कल रात भी उसे बहुत लंबी पूछताछ चली थी, उसमें भी कई चीजें सामने आई थी, कई लोगों का संरक्षण उसे मिला हुआ था, एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य वो लगातार भागता रहा, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई थी। किसी न किसी तरीके से एक बड़े नेता का नाम आ रहा है जिसके द्वारा ये एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हाजिर हुआ है, गिरफ्तारी में इसके ये जो है हाजिर हुआ था अपने को बचाने के लिए। लेकिन यूपी पुलिस के डर से जो भागा हुआ था उसके बाद भी यूपी पुलिस इसको ला करके आखिर लास्ट में इसको मार ही दिया गया। बिल्कुल, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार उसने इतना अपना जो साम्राज्य था वो खड़ा कर लिया था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, कई लोगों का उसे साथ मिल रहा था और इसी वजह से उसने सेफ साइड चुनकर सोची समझी रणनीति बनाकर उज्जैन को चुना। ऐसा है कि इनके पकड़ने के लिए लगातार यूपी एसटीएफ की 40 टीमें यहाँ के आईजी मोहित गुप्ता जी के दबाव में थे और 40 टीमों पे इतना दबाव था, चूंकि शासन का भी दबाव था कि किसी भी तरीके से एमकेएम प्रकारण विकास को पकड़ना है, जिसमें वो किसी भी नेता के सहारे यहाँ से भाग के फरीदाबाद, फरीदाबाद से महाकाल और महाकाल में नाटकीय तरीके से उसने सिलेंडर किया सिर्फ इसलिए कि जिससे वो बचा रहे अपने को। लेकिन उसके बावजूद भी यूपी एसटीएफ लाते समय एक नाटकीय तरीके से गाड़ी पलटती है रास्ते में और गिरता है, घायल होता है, उसके बाद वहां से पुलिस उसको कानपुर लाती है। कानपुर में ये दिखाया गया कि उसने उनका असलाहा छीन के भागने की कोशिश की और इसमें दो गोलियां उनके ऊपर लगातार एसटीएफ की टीम ने चलाई, जो एक सर पे लगी और एक सीने में लगी। इसके बाद इनको अस्पताल लाया गया, अस्पताल में जहां पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। इस तरीके से इनका खेल जो एक लंबे समय से चल रहा था वो खत्म हो गया है। लेकिन अगर एक बार फिर से हम इसके बैकग्राउंडर को देखें तो किस तरीके से ये आपराधिक वारदातों में लिप्त रहा था। राजेंद्र, ये मैम 2000 से ही इन्होंने यहाँ के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की हुई थी और उसी समय से ये बहुत खूंखार एक दुर्दांत अपराधी था, जो कि कानपुर का सबसे टॉप लेवल के अधिकारियों में इसकी गिनती होती थी, सबसे टॉप लेवल के अपराधी में ये गिना जाता था। और सबसे बड़ी चीज थी कि ये साइको टाइप का अपराधी था, ये किसी के ऊपर भी जब थाने के अंदर घुस के 2000 में गोली चला सकता है, ये पुलिस जान नहीं थी। ऐसे में पुलिस को इनके यहाँ दबिश देने के लिए इतनी तैयारियों से जाना चाहिए था, ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उनके पास, न ही कोई अपनी तैयारी थी, एक मनमाने तरीके से जाकर के गिरफ्तारी जो है करने का प्रयास किए। इन्हीं का एक जो कि चौबेपुर एसओ विनय तिवारी था, उसने मुखबरी की क्योंकि विनय तिवारी की सीओ से लड़ाई चल रही थी पहले से, उस चीज को लेकर के पहले से इसने भी अपने आदमियों को बुला रखा था कि आज मेरा एनकाउंटर होगा तो इससे बढ़िया है हम पुलिस वालों को मार दें, इस वजह से इसने पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाई थी। और बिल्कुल, जब कल ये पकड़ा गया था तो उसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है या उसने खुद सरेंडर किया है। उसने एक तरीके से सरेंडर ही किया था क्योंकि यूपी में तो उसका बचना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो यहाँ से भाग के दूसरे प्रदेश में उससे अपनी ससुराल में उसने कुछ नेताओं का सहारा लेके नाटकीय तरीके से अपनी गिरफ्तारी कराई, वो अपने आप को बचाना चाहता था। लेकिन शासन में कल से ही जहां तक माना जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नाराज चल रहे थे, उस दबाव को देखते हुए, शासन के दबाव को देखते हुए यहाँ पे पुलिस जब से आई हुई है तब से कहा गया है कि एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश कानपुर से वापस तब आएंगे जब उसको उसका खात्मा कर देंगे, उसका इनकाउंटर कर देंगे या उसको पकड़ लेंगे। इस दबाव में पुलिस ने उसको इतना जगह डाली थी, आज जो है इनकाउंटर में मार गिरा है। बिल्कुल, लेकिन एक गैंगस्टर का इतना आप दबाव देखिए पुलिस पर किस तरीके का था,
आपराधिक वारदातें लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन फिर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, अपनी उंगलियों पर वो नचाता था पुलिसकर्मियों तक को। इनके ऊपर कई सफेदपोशों का जो है हाथ रहा है, लोगों का राज न खुले इसके लिए भी शासन का दबाव था कि वो मारा जाए। यहाँ के एक जो मौजूदा विधायक है भगवती सागर जी, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है बिल्लौर से, उनका भी हाथ बताया जा रहा था। उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने सफाई में एक बड़े चैनल का डिबेट छोड़ के वो भाग गए थे। इस तरीके से नेताओं का भी बड़ा अच्छा खासा इसके ऊपर हाथ रहा था और ये बड़ा अपराधी था, इसका मारा जाना ही सबके लिए अच्छा था, नहीं तो ये कई लोगों के खिलाफ मुंह खोलता। लेकिन कई इसके गुर्गे भी एनकाउंटर में ढेर हुए थे। इसके पांच लोग एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, पांच जो है एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो आपको बता दें कि विकास दुबे की मौत की पुष्टि हो चुकी है, पुलिस की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, पुलिस के हथियार लेकर भागने की कोशिश की गई थी और उसके बाद पुलिस की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत गंभीर थी और बाद में डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया। तो पुलिस ने की है विकास के मारे जाने की पुष्टि, गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हो गया है। हमने विकास को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया था, ये पुलिस की तरफ से कहा गया। और ये हैलेट अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, ये पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कहा गया। लेकिन अभी उनकी हालत कैसी है इसकी जानकारी वो नहीं दे पाए, लेकिन ये जरूर कहा गया कि विकास मारा गया है, डॉक्टरों ने उसके मारे जाने की पुष्टि कर दी है। विकास दुबे की मौत पर पुलिस का बयान, हमने विकास को सरेंडर करने का मौका दिया, विकास दुबे पिस्टल छीनकर भाग रहा था, यह पुलिस की तरफ से कहा गया। एनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी हालत कैसी है यह नहीं बताया गया पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि 12 टीमें आज विकास दुबे को पेशी के लिए ले जा रही थी, लेकिन इसी बीच एसटीएफ की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, जिसमें बताया जा रहा है कि विकास दुबे भी सवार था, वो हादसे का शिकार हो गई थी। उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस के हथियार लेकर भागने की कोशिश की, जिसमें वो ढेर हो गया।